हेलो दोस्तों, मैं आज पिनेकल्स वॉक करने के लिए आया हूँ। तो ये जैसे ही मुझे 3-3.5 घंटे लगेंगे ऊपर जाने के लिए। तो ये कोरामंडल में है और ब्यूटीफुल वॉक है, मस्ट, हाईली रिकमेंडेड। अगर आप कोरामंडल की तरफ आएँ तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं पिनेकल वॉक, तो मस्ट है, ब्यूटीफुल वॉक है। अगर आप हाइकिंग पसंद करते हैं, थोड़ा सा फिटनेस चाहते हैं, तो मस्ट है जे लिए, आपके लिए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो थोड़े थोड़े क्लिप मैं बीच में डालता रहूँगा, पूरा तो नहीं मैं कवर करूँगा, क्योंकि मैंने इन्जॉय भी करना है थोड़ा सा। तो कोशिश करता रहूँगा भाई, थोड़े थोड़े क्लिप मैं बीच में डालता रहूँ। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पर ड्रोन अलाउड नहीं है, सो प्लीज़ कोई भी आप ड्रोन ना लेकर आएँ, क्योंकि अगर आप लेकर आओगे तो फिर फाइन हो सकता है आपको, तो वो $400-500 का आपका ड्रोन भी सीज कर सकती हैं। तो सो प्लीज़ ड्रोन ना लेकर आए। तो चलो शुरू करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी क्लिप मैं डालता रहूँगा। चलो जी दोस्तों, अब मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट पर आया हूँ, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो देखो कैसे अच्छा नीचे से पानी जा रहा है ऊपर से ब्रिज, और जैसे ये वायर ब्रिज है, ब्यूटीफुल है यहाँ पर। एंड आज बहुत ही अच्छा दिन है, आप देख रहते हैं, देख सकते हैं अभी कैसे सनी डे है, तो ब्यूटीफुल है जैसे, है ना। तो बहुत ही अच्छा डे है ट्रैकिंग करने के लिए। तो ये वॉक वैसे भी बहुत मशहूर है और लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं हाइकिंग वगैरह करने के लिए। आप यहाँ पर रात भी स्टे कर सकते हो। तो जब मैं वहाँ पर हट के पास पहुँचूँगा तब मैं आपको वो बता दूँगा, ठीक है। तो चलो मैं अपनी कंटिन्यू करता हूँ वॉक। आप देख सकते हैं वहाँ पर कितना अच्छा वाटरफॉल है वहाँ पर, तो ये ब्यूटीफुल सीन है। वाओ, दैट इज ब्यूटीफुल। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपना वॉक, तो फिर मैं कोई ना कोई अच्छा क्लिप आएगा तो वो मैं फिर डालता हूँ, ठीक है। इस ट्रैक से ही ना कितने ही ट्रैक निकलते हैं, तो जब आप मेन ट्रैक पर होगे तो आपको आस रास्ते में कितने ट्रैक मिलेंगे जो आप कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये एक बहुत ही पुराना ट्री लगता है मुझे, आप देख सकते हैं कैसे इसके बीच में बना हुआ है स्पेस। मैं बीच में चलता हूँ, होपफुली कुछ होगा नहीं। वाओ, लुक एट दैट। आप जो बारिश हो तो आप यहाँ पर थोड़ा ठहर कर भीगने से बच सकते हैं, बट मुझे लगता था काफ़ी पुराना ट्री होगा। लुक एट दैट, कैसा इसका तना आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है, तो बहुत ही पुराना ट्री लगता है मुझे, बट स्टिल अलाइव है वो, देखो कैसे ग्रीन है अभी भी, अमेजिंग। ऑलवेज गुड, बिग रिस्पेक्ट फॉर ओल्ड ट्रीज लाइक दिस। दोस्तों जी का और ब्रिज से मैं गुजर रहा हूँ, और व्यू देख सकते हैं आप कितना अच्छा है, ब्यूटीफुल, इट इज़ अमेजिंग। वाह वाह वाह, देखो बिग चट्टानें हैं यहाँ पर,
एंड पीपल आ रहे हैं जा रहे हैं, बट ब्यूटीफुल अमेजिंग जिसे पानी गुजरा है। दोस्तों अब जे ना रॉकी स्टेप्स आए हुए हैं, तो ये कम से कम 1 किलोमीटर तक ऐसे चलेंगे अभी, तो काफ़ी स्टीप है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रीजनेबल फिटनेस रिक्वायर्ड। देखो कैसे स्टीप है। दोस्तों अब जिस जगह से मैं गुजर रहा हूँ, जब विंटर होता है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्लड आ जाता है, तो ये तकरीबन जो रास्ता है ब्लॉक हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, इधर से एक और पाथ है उसकी तरह से जाना पड़ता है। तो देखो ब्यूटीफुल कामिंग वाटर, अमेजिंग प्लेस, नो हसल एंड बसल ऑफ टाउन, नथिंग। तो ब्यूटीफुल है जी, ब्यूटीफुल। जो वायर वाले जो ब्रिज है ना, यहाँ पर एटलीस्ट 3 या 4 हैं। 3 मैं ऑलरेडी पार कर आया हूँ और मुझे लगता है कि मेरा नंबर 4th है। बट इस पर आप ज़्यादा मस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओनली फॉर फ्यू पीपल्स ओनली कैन वॉक ऑन दिस। बट चलो देखो कैसे ग्रीनरी से सराउंडेड है, ब्यूटीफुल है, क्या बात है यहाँ। दोस्तों अभी मैंने 4 किलोमीटर के आसपास ट्रैक कर लिया है और अभी भी काफ़ी है। तो एक बात और कमेंट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ अपने एक्स्ट्रा क्लोथ्स वगैरह लेकर आएँ, क्योंकि आप देख रहे थे ट्रैक स्लिपरी है, तो चांसेस गिरने के ज़्यादा हैं। क्लोथ्स प्लस पेयर शूज आल्सो। ओके तो चलो मैं कंटिन्यू कर रखता हूँ अपना ट्रैक। दोस्तों जो ट्रैक मैं कर रहा हूँ, तो 1920 में ये क्या करते थे, भी इस रास्ते से लॉग लेकर आते थे, ऊपर से पहाड़ी से लॉग लेकर आते थे। तो देखो आप देख सकते हैं इसमें, इस फोटो में कैसे जो जो बैल हैं कैसे आ रहे हैं ऊपर भाड़ी से, तो इनके पीछे एक लॉग है बड़ा सा, वो उसको खींच रहे हैं। तो जो 1920 में ये चलता था, यहाँ लॉगिंग बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। जब अर्ली सेटलर यहाँ पर आए थे ब्रिटिश, तो उन्होंने जब देखा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पेड़ अवेलेबल हैं, तो अच्छी लकड़ी है, तो यहाँ पर उन्होंने फिर अपना लॉगिंग वगैरह शुरू कर दिया था। तो ये जो ट्रैक अब मैं कर रहा हूँ, ये पुराना बना हुआ है, अभी नहीं है, बहुत पुराना है। तो उसके बाद जब लॉगिंग वगैरह बंद हो गया सारा कुछ, तो फिर ये ट्रैक पब्लिक के लिए ओपन हो गया। तो अब क्या करते हैं, पब्लिक रनर वगैरह नहीं यूज़ कर सकती यहाँ पर जब आप वॉक कर रहे हो। तो ये है पिनकल हट, यहाँ पर आप आकर रात के लिए ठहर सकते हैं। तो फुली फर्निश्ड है, यहाँ पर किचन वगैरह, शावर्स का सब कुछ है यहाँ पर। तो स्मोकिंग नहीं अलाउड यहाँ पर, तो कोई भी आपको इंफॉर्मेशन वेदर के लिए चाहे वो भी यहाँ पर है, सर्वेलेंस कैमरा ऑलवेज वर्किंग हियर। तो इट्स ब्यूटीफुल, तो वहाँ पर आप अपना खाना वगैरह
लेकर बैठ सकते हैं। और ये डाइनिंग रूम इधर, तो हाबी क्यू भी गया है मैं यहाँ पर, फिर कुछ वैसे यहाँ पर रात के लिए अच्छा है, रात रहने के लिए। तो सब जो जो आपको चाहिए वो मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो मैं अपना अपना ट्रैक आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी वॉक करना है मुझे, एक घंटे का रास्ता है अब, तो ऊपर जाकर आपको और भी अच्छा सीन आता है जी। अब मैं स्टेप कुछ ले रहा हूँ, तो ये अभी अटली मे बी 500 टू 600 स्टेप्स करनी है, तो फिर जाकर ऊपर पास होगा। तो चलो ऊपर जाकर व्यू बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड। मैंने वहाँ पर ऊपर जाना है पिनाकल पर, तो अभी भी काफ़ी टफ है, काफ़ी स्टेज हैं। तो अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन वगैरह है तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा अभी आप ऊपर चोटी तक जाएं। अब यहाँ पर ही रहकर थोड़ा सा देख सकते हैं व्यू वगैरह, तो अच्छा व्यू यहाँ पर से भी। तो चलो मिलते हैं आगे। देखो फ्रेंड कैसा है, ब्यूटीफुल।